इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एडमिट कार्ड्स हैं प्रवेश परीक्षा के लिए वो फिलहाल घोषित किए जा चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड्स हैं वो आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रखी है, लेकिन ये खबर हम आपको india.com के हवाले से बता रहे हैं। india.com ने अपने पोर्टल पर ये खबर लिखी है, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की एग्ज़ाम वाली मतलब एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने वो खोल रखी है। तो उसमें सबसे पहले ये रेड में देखिए एक यहाँ पे रीओपन सीआरएट फॉर्म के नीचे एक लाइन अभी आएगी, आप उस लाइन पे गौर कीजिएगा। एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ यूगार्ड बीएससी बीकॉम बीएससी होम साइंस बीए बीएफए बीपीए पीगार्ड एलएलबी एलएलएम एंड एमकॉम आर लाइव नाउ एंड फॉर पीगार्ड एंड आईपीएस विल बी मेड लाइव लेटर। तो मतलब कुछ कोर्सेज के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और कुछ कोर्सेज के नहीं आए हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है। तो आपको अपने कोर्स का अगर डाउनलोड करना है, आप मान लीजिए इनमें से किसी भी कोर्स के हैं, मान लीजिए UGAD के हैं मतलब BA, BSc, BCom, BFA या BPA इनमें से किसी के, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे प्रोसीड का आपको बटन दिख रहा होगा। तो आपको बस क्या करना है, प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके मतलब कोर्स का सेक्शन खुल जाएगा एक हिसाब से, और उसके बाद वहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉगिन का है ऑप्शन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालिए जो फॉर्म भरते समय आपको मिली थी, और यहाँ पे पासवर्ड डालिए जो भी पासवर्ड आपने एप्लीकेशन जब फिल किया हो उसके बाद आपने भरा हुआ हो, उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल किसी का क्योंकि प्राइवेसी कारण से इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का सेक्शन उसमें दिखाएगा, न्यू में करके एडमिट कार्ड का सेक्शन दिखाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आसानी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपका जो आईडी मिली थी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी गई होगी, और पासवर्ड आपने खुद ही क्रिएट किया रहा होगा, तो वही पासवर्ड आपको फिल करना है बस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का समझ लीजिए कि जो भी फॉर्म है वो फिल हो जाएगा बस इतना करते ही। बना रही है द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख जाइए, बनाए रहिए, तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए और स्टे सेफ स्टे हेल्दी।